ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको इसका आवाज सुनाता हूँ। है ना कुरकुरे, बहुत ही मजेदार, टेस्टी भी है। ये मैंने गेहूं के आटे से पूरी के जैसा नाश्ता बनाया है, जिसे कि बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सिंपल सा है। और इसकी खास बात यह है, इसे बनाने की सारी चीजें हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर और 4 साबुत लाल मिर्ची। इसे मैंने गर्म पानी में 5 मिनट भिगो कर लिया है, और स्वादानुसार नमक। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर पीस कर लेना। ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। यही मसाला हमारे नाश्ते की जान है। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर एक बाउल गेहूं का आटा लेंगे, जिसमें कि 3 से 4 चपाती बने उतना ले। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर और ऐसा बिल्कुल ही बारीक कटा हुआ एक प्याज लीजिए, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने मसाला बनाते समय नमक यूज किया था, काफी सारा धनिया पत्ता। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही शुरू में हमने बनाया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। इसी मसाले से हमारे नाश्ते को बढ़िया वाली टेस्ट आएगी। इसके बाद हमें जो काम करना है वो इसे मिलाते हुए आटा गोंद कर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसा। अगर जरूरत हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। ध्यान रखें कि आटा ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा पतला हो। आप देख सकते हैं आटे को हमने बहुत ही अच्छे से गोंद कर तैयार कर लिया है। और इसे कवर करके 5 से 10 मिनट रख देंगे। चाहे तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हो। 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर 1 चम्मच तेल डालकर इसे थोड़ा सा मसल कर लेंगे। और इस आटे की बड़े साइज की 4 लुइयां बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें से एक लुई लेकर उसे हाथों से ऐसे घोलकर राउंड शेप देंगे। इस लुई को आटे से कवर करके चपाती के साइज में बेल कर लेंगे। आटे की छोटी छोटी लुइया बना के भी पूरी के साइज में बेल कर ले सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा कि हमने जो इसमें प्याज धनिया पत्ता डाला है, उसी की वजह से पूरी को सही शेप नहीं आएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसके किनारे थोड़े से बाहर निकल गए हैं। तो इसीलिए इसे ऐसे बड़े साइज में बेल कर ऐसे बाउल से प्रेस कर करके पूरिया बना लेंगे। यही तरीका सबसे आसान होगा अच्छे शेप में पुरिया बनाने का। बचा हुआ साइड का पोर्शन निकाल के उसे दूसरे आटे के साथ मिलाकर इसी तरह से सभी आटे की पूरी बना लेंगे। देखिए हमारी सभी पुरिया बनके तैयार है। उतने आटे में 20 पुरिया बनी है। उधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो तेल भी गर्म हो गया। गैस का फ्लेम मीडियम करके एक एक पूरी को ऑयल में छोड़ देंगे। इन्हें उलट पुलट कर क्रिस्पी बनने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो ये कितनी कलरफुल बनी है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी मसाला पूरी बनकर तैयार है, और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इन्हें आप ऐसे ही चटनी के साथ या चाय के साथ खा सकते हो, या कहीं बाहर जा रहे हैं तो सफर में बनाकर ले जा सकते हैं।
इसी तरह बाकी बची हुई पूरी को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।